पहले प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसके लिए दोस्तों आप क्या करते हैं, इसमें चारों ऑप्शन रख के चेक करते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं, या तो आप परीक्षा में इस प्रश्न को छोड़ ही देते होंगे, ठीक है। तो लेकिन आज के बाद इस प्रश्न को आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, आप बिना पेन उठाए ही इसको सॉल्व कर देंगे। देखिएगा प्रश्न, समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें, ठीक है। यहां पे दोस्तों 21 दिया है, उसके बाद से जगह खाली है, उसके बाद 9, उसके बाद जगह खाली है, उसके बाद 13, उसके बाद जगह खाली, उसके बाद 7, बराबर 195। तो यानी कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन भर दिया जाए कि ये एकदम सटीक हो जाए, यानी कि 195 के बराबर हो जाए। गुणे दिया है, माइनस दिया है, भागे दिया है, प्लस है, ये सब सिंबल कौन सा भर दिया जाए कि इसका सटीक आंसर आ जाए, यानी कि 195 के बराबर हो जाए। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का जो बेसिक मेथड होता है वो क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं कि सभी ऑप्शन को रखते हैं, देखते हैं सॉल्व करके क्या 195 के बराबर हो रहा है कि नहीं। लेकिन दोस्तों आपको इतना सब पेपर में करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। देखिएगा तरीका को ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या है इसको, मैं देखिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों, जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आप इसमें क्या देखेंगे, जो भाग का सिंबल है ना, ये जो भाग का सिंबल है देखेंगे ऑप्शन में कहां है, ये ऑप्शन में कहां है, पहला ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है, पहला ऑप्शन में यानी लास्ट में। तो लास्ट में है तो यानी कि यहां पे ये भाग का सिंबल भरा जाएगा, ठीक है, यहां पे भरा जाएगा। तो हम देखेंगे क्या ये 13 को 7 से भाग चला जाएगा, यानी कि 13 में 7 से भाग चला जाएगा। तो दोस्तों यहां पे आप देखेंगे कि 13 में 7 से भाग नहीं जाएगा, यानी 13 पूर्णतः 7 से विभाज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहीं पे गलत हो जाएगा। समझिएगा दोस्तों, जब 13 में 7 से भाग नहीं जाएगा तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहीं पे गलत हो जाएगा। अगर जो इसके पहले दोस्तों यहां पे गुणे का सिंबल रहता और ये यानी कि 7 का ये मल्टीपल रहता तब तो ये हो जाता, लेकिन ऐसे देखते हैं जब नहीं जाता है और गुणे का सिंबल भी नहीं है, मल्टीपल भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहीं पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर क्या आता है दोस्तों, नंबर आता है दूसरे का, दूसरे में कहां पे भाग का सिंबल है दोस्तों, बीच में, तो बीच में है तो इसको हम कहां रखेंगे दोस्तों, इसको हम यहां पे रखेंगे। जब यहां पे रखेंगे दोस्तों तो हम देखेंगे क्या ये 9 13 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 9 में 13 से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। आगे इसके प्लस का सिंबल है, गुणे रहता और ये 13 का मल्टीपल रहता है 21, तब तो जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है दोस्तों, 9 में 13 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। समझिएगा, ठीक है, इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप इसको बस सोचेंगे देखेंगे तुरंत आंसर आपको दिखने लगेगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन भी क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि 9 में 13 से भाग नहीं जाएगा। फिर आगे क्या है दोस्तों, आगे देखिएगा, आगे दोस्तों है यहां पे, इसमें भाग का सिंबल कहाँ है दोस्तों, लास्ट में है, इसमें लास्ट में है, तो लास्ट में मतलब क्या, यहाँ पे भाग का सिंबल, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो फिर से वही चीज हो गया, क्या चीज हो गया, पहला वाला जैसे ऑप्शन था, पहला वाला ऑप्शन में भी लास्ट में भाग था, यानी कि 13 में 7 से भाग जाएगा, यानी कि 7 से भाग करे 13 तो पूर्णतः विभाज हो जाएगी, नहीं होगा ना, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा ना, तो तीसरा वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप पेपर में समझ जाएंगे तो कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे बिना पेन उठाए, ठीक है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन तीसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा आपका क्या दोस्तों, चौथा ऑप्शन बचा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब तीन ऑप्शन आपके ऑलरेडी गलत हो चुके, पहले ही गलत हो चुके हैं, तो चौथा ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा, इसको मिलाने की भी आपको पेपर में जरूरत नहीं है, ठीक है। जब तीन ऑप्शन को आप देख ही लिए कि एकदम गलत है, तो चौथा ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको मिला के दोस्तों दिखा दे रहा हूं, पहले क्या है दोस्तों, पहले यहां पे गुणे है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 गुणे 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, प्लस है, तो यहां पर हो जाएगा 9 प्लस 13, यहां पर ऐसे हो गया ना, प्लस का यहां पर। फिर लास्ट में क्या है दोस्तों, माइनस का, तो यहां पर हम भर लेंगे माइनस का सिंबल, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, 21 में 9 से दोस्तों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 9 189 होता है, क्या होता है, 21 9 189, आप गुणा करके दे भी सकते हैं, 9 1 9 9 2 18, ठीक है। और फिर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस ये हो जाएगा 13, और फिर क्या है, -7 है, फिर -7, ठीक है। 189 और 13 को हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 202, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 202 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा -7, 202 में से -7 करेंगे, यानी 202 में से आप 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 195। तो ये क्या दोस्तों, बराबर 195 के हो रहा है ऑप्शन नंबर डी वाला रखने पे, तो यही आपका आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए, और ये हमेशा दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जाता है, और आप चारों ऑप्शन को मिलाने की जगह पे रख के चेक करने की वजह से आप इस प्रश्न को दोस्तों हमेशा छोड़ देते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ऐसे ही ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, कौन इतना चारों ऑप्शन को मिलाएगा। लेकिन आज के बाद
दोस्तों आप इस प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसमें आप क्या सीखें दोस्तों, क्या सीखा है आप इस प्रश्न में, इस टाइप के प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे, भाग वाला रखेंगे, भाग वाला जहां भी दोस्तों सिंबल है उसको रख के चेक करेंगे क्या पूर्णतः विभाज हो रहा है। जो ऑप्शन से दोस्तों पूर्णतः विभाज होने लगेगा तो उस ऑप्शन को हम रख के चेक कर लेंगे, आंसर आ रहा है तो तुरंत टिक कर देंगे, और नहीं आ रहा है तो दोस्तों अगले ऑप्शन पे हम बढ़ते जाएंगे। चौथे वाले ऑप्शन में भाग का सिंबल है नहीं, लेकिन ये वाला ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों, पूरा सटीक बैठ गया और 195 इसका आंसर भी आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए, और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा इस टाइप के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों मेरा प्रयास रहता है कि मैं सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों को करा दूं, ताकि आप पेपर में जाएं तो आपको प्रश्न ये ना लगे कि ये मैं पढ़ा हुआ नहीं है, यानी कि मेरे द्वारा ये पढ़ाया गया प्रश्न नहीं है। आप सबके सामने, आपके सामने जो प्रश्न आए तो लगे कि हाँ ये सब तो मैं प्रश्न पढ़ा हूँ और इसका ट्रिक भी जानता हूँ, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और आप सेकेंडों में प्रश्नों को सॉल्व करें और दोस्तों आप परीक्षाओं में अच्छे से सफल हो, मेरी ही कामना रहती है। ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है मोमेंट, M O M E N T शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, क्रमबद्ध करने से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ मोमेंट दिया है और कोई सा भी यहाँ शब्द दे सकता है, यानी और कोई सा भी वर्ड दे सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर जो मैं इसमें तरीका आपको सिखा रहा हूँ कि अगर जो मोमेंट पूछ ले, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, या कोई और शब्द पूछ ले तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी आए प्रश्न और पूछ ले कि कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, मोमेंट में हम अक्षरों को काउंट करेंगे, क्या करेंगे, मोमेंट के अक्षरों को काउंट करेंगे कि मोमेंट में कुल कितने अक्षर हैं। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, कुल 6 यानी अक्षर है, मोमेंट में कुल कितने अक्षर है, 6 अक्षर हैं। तो हम क्या इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको हम लिख देंगे फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 समझिएगा, अभी अभी समझिए, आगे आपको समझा रहा हूं, इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 6। और उसके बाद से क्या लिखेंगे दोस्तों, अब देखेंगे मोमेंट में कितने अक्षर ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, यानी कि दो बार है, तीन बार है, एक ही अक्षर, कौन कौन से अक्षर देखेंगे इसमें, दो बार आया है, तीन बार आया है, चार बार आया है, ऐसे देखेंगे। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों जो यम है यहां पे भी है और यम यहां पे भी है, यम क्या है दोस्तों, ये दो बार आया है, तो इसको हम क्या लिख देंगे दोस्तों, बटा में फैक्टोरियल 2। m कितने बार आया है, बटा में दो आया है ना, यानी कि दो बार आया है, तो इसको बटा में फैक्टोरियल 2 लिख देंगे, यानी कि फैक्टोरियल 2 लिख देंगे। अब फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये चीज समझिएगा, बहुत ही अच्छे भाषा में, आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है इसका गुणा होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कहां तक होता है, 1 तक होता है, जितना बड़ी फैक्टोरियल है उसको ऐसे आप बैक जाते जाएंगे 1 तक। और फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, समझ गए होंगे, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको आप कटा लेंगे, 2 × 1 यहां पे दिख रहा है, 2 × 1 ऊपर दिख रहा है, ये चीज क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमें जो गुणन बच रहा है, जो संख्या है, उसको हम आपस में गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 = 120। ठीक है, यहां क्या हो गया दोस्तों, 6 × 5 = 30 और 3 × 4 = 12, ठीक है, 120। और 120 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 दिया दोस्तों 360, और 120 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 360, और 360 दुना के क्या हो जाएगा दोस्तों 720, नहीं यहाँ पे 2 तो कट चुका है ना दोस्तों, ये 2 कट चुका है, समझिएगा एक बार और अच्छे से दोस्तों, यहाँ पे ये 2 कट चुका है, तो यहाँ पे 6 × 5 = 30 और 3 × 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 × 4 = 12, यानी कि 120, और 120 दिए क्या हो जाएगा 360, ये 2 नहीं, ये 2 तो यहाँ से 2 × 1 कट चुका है, तो ये इतना गुणा किए तो क्या आ जा रहा है दोस्तों, ये 360 आ जा रहा है। तो दोस्तों ये कुल 360 तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 360 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। एक बार और समझा देता हूँ दोस्तों, जो संख्या बच जाता है उसी को हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं, समझिएगा कुल हम क्या करेंगे, पहले एक बार देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोमेंट में कुल कितने अक्षर हैं, कुल 6 अक्षर है, तो हम इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 6। फिर बटा में लिखेंगे क्या, जो अक्षर रिपीट किए हैं, कितने बार अक्षर रिपीट किए हैं, यम देखेंगे दोस्तों 2 बार रिपीट किया है, तो इसको हम लिख देंगे फैक्टोरियल 2। ठीक है, 2 बार रिपीट जो अक्षर कर दिया उसको बटा 2 लिख देंगे, फैक्टोरियल 6
सिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? फैक्टोरियल सिक्स का मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है। और बटा में फैक्टोरियल टू है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 × 1, ठीक है। तो 2 × 1 से 2 × 1 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 6 × 5 × 4 × 3 यानी 6×5 = 30, 3×4 = 12, 120, 120 × 360 तो 360 हो जाएगा। यानी कि कुल 360 तरह से दोस्तों मोमेंट को क्रमबद्ध कर सकते हैं। 360 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा प्रश्न में पूछे जाते हैं तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे कुछ ही सेकंड में बिना पेन उठाए। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार है? ठीक है, प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा। 31 दिन वाला कोई महीना है, मान लीजिए कोई महीना होगा, जनवरी होगा या मार्च होगा, जो भी है, कोई सा भी महीना मान लीजिए 31 दिन का है, ठीक है। और उसका अंतिम दिन क्या है दोस्तों? मंगलवार है। अंतिम दिन कहने का मतलब क्या है दोस्तों? 31 तारीख को क्या पड़ रहा है दोस्तों? मंगलवार पड़ रहा है। यानी कि अंतिम दिन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 31 तारीख को मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार है? ठीक है, पूछ रहा है 16 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 31 को जब दोस्तों मंगलवार है तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, एक एक दिन घटाएंगे नहीं कि 31 को मंगल है तो 30 को सोमवार होगा, ठीक है, 29 को आपका शनिवार होगा, रविवार होगा, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपको टाइम काफी लगेगा और आपको पेन उठाने की भी जरूरत पड़ जाएगी और इसको आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन इसको बिना लिखे दोस्तों आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिएगा, समझिएगा, जब 31 को दोस्तों मंगलवार पड़ता है तो सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं दोस्तों? 7 दिन होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 31 में से 7 घटाएंगे, 31 में से जब 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। 24 को भी क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगलवार। एक एक सप्ताह घटाते जाएंगे, ठीक है, 24 को क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगलवार हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों? 24 में से 7 घटाएंगे, 24 में से दोस्तों 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 हो जाएगा। 17 को भी क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगलवार हो जाएगा। जब दोस्तों 17 तारीख को, यानी 17 को जब मंगलवार है तो 16 को क्या हो जाएगा? 16 को क्या हो जाएगा? जब 17 को मंगलवार है तो 16 को क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 को हो जाएगा सोमवार। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोमवार हो जाएगा। सोमवार किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है आपका। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों इस प्रश्न में क्या था, आपको क्या करना है? एक एक दिन नहीं घटा के, इस टाइप के प्रश्न आए तो एक एक सप्ताह घटाना है। एक एक सप्ताह घटाएंगे तुरंत आपका आंसर दिखने लगेगा, ठीक है। जब 31 को मंगलवार पड़ रहा है तो 24 को मंगलवार पड़ेगा, जब 24 को मंगलवार पड़ रहा है तो 24 में से 7 घटा देंगे, 17 को भी मंगलवार, और पूछ क्या रहा है दोस्तों? 16वें दिन यानी कि 16 तारीख को क्या पड़ेगा? तो 16 तारीख को पड़ेगा सोमवार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाए तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, वो भी बिना पेन उठाए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा प्रश्न वेन डायग्राम से है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न भी हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? दोस्तों जब कभी भी वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न आए तो आपको पहले भी बता चुका हूं क्या करना है, जो उसमें 3 शब्द दिए रहते हैं हम वह उन्हीं तीनों शब्दों पर विचार करना है। तो इसमें कौन कौन सा शब्द दिया गया है, किनके बीच आपको यानी कि संबंध बताना है, वेन डायग्राम किसके बीच बनाना है, तो आम है, फल है, सब्जी है, इन्हीं तीनों के बीच आपको वेन डायग्राम बनाना है, यानी कि आपको रिलेशन देखना है कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है। दोस्तों इन तीनों शब्दों को हम देख लेंगे, और क्या इन तीनों शब्दों के बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो आप देखिए दोस्तों क्या है, आम है, फल है, सब्जी है, आम, फल, सब्जी। तो दोस्तों अगर जो आपको बताऊं आम, फल और सब्जी पर अगर जो आप विचार करें तो आम क्या होता है दोस्तों? फल के अंतर्गत आता है। सब्जी क्या होता है? ना फल होता है ना आम होता है, ठीक है, सब्जी आपका अलग होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों एक फल का सर्किल हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों? आम हो जाएगा। उसके
उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जी इससे अलग होता है तो सब्जी बाहर हो जाएगा। इस टाइप से देखेंगे वेन डायग्राम कौन सा है, तो इस टाइप से दोस्तों वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गएंगे और इस टाइप के प्रश्न आए तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्या करना होता है इस टाइप प्रश्न में, जो शब्द दिए रहते हैं उन्हीं पर विचार करना है कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। इसमें आप देखें आम क्या है, फल के अंतर्गत आता है, यानी कि फल के अंदर आम हो जाएगा। सब्जी क्या होता है, ना सब्जी आम होता है ना फल होता है, तो सब्जी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जब बाहर हो जाएगा तो वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी की तरह बनने लगेगा और आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पांचवा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न कह रहा है 8 संबंधित है 128 से, उसी तरह 6 संबंधित है डॉट 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 से। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 8 कैसे संबंधित है 128 से। अगर जो हम 8 इसे 128 में भाग करें तो 8 एकम 8 हो जाएगा और 4 48 यानी कि 16, यानी कि 16 वट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, 128, यानी कि 8 में अगर जो हम 16 से गुणा करें तो 128 आ जाएगा। और फिर यही दोस्तों हम क्या कर ले, 6 में अगर जो दोस्तों हम 16 से गुणा करें तो 16 छक्के क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 छक्के होता है 96। देखेंगे 96 किस ऑप्शन में, तो आपके किसी ऑप्शन में आपको 96 नहीं दिख रहा है। जब 96 नहीं दिख रहा है तो ये वाला मेथड क्या हो गया दोस्तों, फेल हो गया। ये वाला मेथड से, इस वाले मेथड से आपका आंसर नहीं आएगा। जब इस वाले मेथड से आंसर नहीं आएगा तो दूसरा मेथड देखिएगा। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, 8 संबंधित है 128 से, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 8 × 8 यानी कि 8 × 64 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, और यहां दे रहा है 128, तो क्या कर लेंगे, इसका गुना 2 कर लेंगे। जब गुना 2 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 128, यानी कि हम 8 का स्क्वायर किए 64 हो गया, 64 का 2 गुना कर लिए तो 128 हो गया। फिर हम यही 6 के साथ करेंगे, देखेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं। जब 6 का दोस्तों क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, जब 6 का स्क्वायर होता है 6 × 6 यानी कि 36 होता है 6 का स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, 2 गुना कर लेंगे। 36 का 2 गुना क्या होता है, 36 × 2 = 72 होता है। अब देखेंगे किसी ऑप्शन में आपको 72 दिख रहा है, तो हां ऑप्शन नंबर बी में 72 दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से दोस्तों सॉल्व